हेलो गाइस, आज हम क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री की यूनिट 15 पॉलीमर्स स्टार्ट करेंगे और आज के इस वीडियो में हम पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर स्टडी करेंगे। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स रीड कर लेते हैं, जिससे हमें इस चैप्टर का एक ओवरव्यू पता रहेगा। इस चैप्टर में सबसे पहले मोनोमर, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे एंड पॉलीमर्स के इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इसमें होगा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स, यानी कि वेरियस क्लासेस ऑफ पॉलीमर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम मोनो एंड बाई फंक्शनल मोनोमर मॉलिक्यूल्स, इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर इन डेली लाइफ, ये स्टडी करेंगे। तो ये सभी हुए हमारे टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं चैप्टर की तरफ आते हैं। अगर चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ को हम रीड करेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये हमें पॉलीमर के इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहा है। वैसे भी अगर आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो जितने भी चीज़ें आप देखेंगे उनमें से मोस्ट ऑफ थिंग्स जो हैं वो पॉलीमर से ही मिलके बने हुए हैं। जब हम इसको पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पॉलीमर ही पॉलीमर है हमारे सराउंडिंग में। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्लास्टिक बकेट्स, ये पॉलीमर से मिलके बने होते हैं। टायर्स जो होते हैं वो पॉलीमर से मिलके बने होते हैं। चिल्ड्रंस के जितने भी टॉयज हैं, प्लास्टिक टॉयज जो हैं, वो सभी पॉलीमर से मिलके बने हुए हैं। इसके अलावा रोप्स, नायलॉन रोप्स वगैरह हैं, वो सभी पॉलीमर से मिलके बने हुए हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड सॉकेट्स, ये सभी पॉलीमर से मिलके बने हुए हैं। कप एंड सॉसर, ये भी पॉलीमर से ही मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर इस फर्स्ट लाइन को रीड करते हैं, डू यू थिंक दैट डेली लाइफ वुड हैव बीन ईजियर एंड कलरफुल विदाउट द डिस्कवरी ऑफ वेरिड एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीमर्स, द यूज ऑफ पॉलीमर इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बकेट्स, कप एंड सॉसर, चिल्ड्रंस टॉयज, पैकेजिंग बैग्स, सिंथेटिक क्लॉदिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल टायर्स, गियर्स, सील्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल एंड मशीन पार्ट्स हैज कम्प्लीटली रिवोल्यूनाइज एंड द डेली लाइफ एज वेल द इंडस्ट्रियल सिनेरियो। तो ये सभी जितने भी सब्सटेंस लिए और इसके अलावा और भी इनफाइनाइट सब्सटेंसेस हैं, वो सभी पॉलीमर से बने हुए हैं और इनकी वजह से हमारी लाइफ एक तरह से क्या हो गई है, ईजी हो गई है। इन पॉलीमर्स की वजह से हमारी लाइफ कैसी हो गई है, ईजी हो गई है। और लाइफ के साथ साथ में इंडस्ट्रियल सिनेरियो है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो पॉलीमर्स आर द बैकबोन ऑफ फोर मेजर इंडस्ट्रीज। पॉलीमर जो है वो फोर मेजर इंडस्ट्रीज की बैकबोन है। प्लास्टिक इंडस्ट्री है, इलास्टोमर इंडस्ट्री, फाइबर एंड पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्री। इन सभी इंडस्ट्रीज की जो बैकबोन है वो क्या है, पॉलीमर्स ही हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम में भी दिखने लगी है, क्योंकि एग्जाम में भी इनमें से खूब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, नीट में भी कई क्वेश्चन इस बार भी आए हैं, तो हर बार क्वेश्चंस का नंबर इंक्रीज ही होता जा रहा है इस पॉलीमर चैप्टर में से। इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। इस नेक्स्ट पैराग्राफ में पॉलीमर का इंट्रोडक्शन है कि पॉलीमर्स फॉर्म क्या होते हैं, पॉलीमर होते क्या हैं, मैक्रोमोलिकुलर पॉलीमर में क्या डिफरेंस होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, मोनोमर्स क्या होते हैं। तो पहले मैं इस पैराग्राफ को आपको समझा देता हूं और उसके बाद हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। ठीक है, तो समझिए, देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीमर के बारे, तो पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है पॉली और सेकंड वर्ड है मर। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट्स। पॉली एंड मर दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अगर इंग्लिश मीनिंग निकालें तो ऐसा बोल सकते हैं कि पॉलीमर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत सारी सेम टाइप की यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब उन सेम टाइप के सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। जो स्मॉल या सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको हम बोलते हैं मोनोमर। और जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जैसे अगर आप इसको देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये सभी मोनोमर यूनिट हैं। अब इनके लिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे इथीन, एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इथीन है। सपोज इथीन एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, इथीन का आप फॉर्मूला जानते ही हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, अब ये स्मॉल सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, जिसको हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोमर बोल सकते हैं। अब बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएं, ज्वाइन हो जाएं,
जैसे इस एक जो सर्कल है, इसको एक को आप इथिन मान सकते हो, इन सभी को एक एक इथिन मॉलिक्यूल मान सकते हैं। अगर ये सभी इथिन मॉलिक्यूल इस तरह से रिपीटेटिंग यूनिट्स बना दें, मतलब कंबाइन हो जाएं, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। ठीक, तो पॉलीमर्स क्या हैं, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल यूनिट के कॉम्बिनेशन से या ज्वाइन होने से बनते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। और मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो तीन वर्ड हमें समझ में आए, फर्स्ट पॉलीमर क्या होते हैं, सेकंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मोनोमर, पॉलीमराइजेशन और पॉलीमर, इन तीन वर्ड के बारे में हमें समझ में आ गया। अब एक वर्ड और आता है यार, वो है मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर में क्या डिफरेंस है ये समझ लेना। देखो, मैक्रोम का मतलब होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, और मॉलिक्यूल्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे आर जाइंट और लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 10^3 to 10^7 यूनिफाइड मास या AMU होता है, इतना मास होता है इनका। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, अगर मैं इस एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, तो देखो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ब्रॉड कैटेगरी है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एक ब्रॉड कैटेगरी है, और उसमें से एक टाइप होते हैं पॉलीमर्स। कैसे समझना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया जाइंट मॉलिक्यूल्स, जाइंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ना, क्लोरोफिल, ये भी जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रिपीटेटिंग यूनिट से नहीं मिलके बने हुए हैं, ये ऑलरेडी इनका साइज वैसे ही बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज साइज के हैं ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या बनते हैं, एक ही टाइप की रिपीटेटिंग यूनिट से मिलके बनते हैं। और रिपीटेटिंग स्मॉल 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 यूनिट जब आपस में, स्मॉल यूनिट्स जो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, तो एक जाइंट मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो इसको तो हम बोलेंगे जिसमें सिंपल यूनिट्स या फिर सेम टाइप की यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट यूनिट के रिपीट होने से एक जाइंट मॉलिक्यूल बनता है, उसको तो हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, और मैक्रो मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, इस पॉलीमर को भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं और इनको भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मैक्रो का मतलब सिंपल सा है कि मैक्रो का मतलब है जिनका साइज लार्ज है, चाहे वो रिपीटेशन से बने, चाहे वो ओरिजिनली खुद का ही साइज बड़ा हो, डिफरेंट टाइप के जो यूनिट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बने। अगर जिनका साइज बड़ा है उन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल की एक क्लास है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक जाइंट मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब आप समझ गए होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल जो है एक ब्रॉड क्लास है जिसमें पॉलीमर एक क्लास है, सब क्लास है। ठीक है, समझ गए क्या डिफरेंस है दोनों में, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। देखो भाई, द वर्ड पॉलीमर इज कॉइंड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट। द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, पॉलीमर जो होता है उनका भी मास जो होता है वो हाई होता है, 10^3 to 10^7 यू। दीज आर रेफर्ड टू एज मैक्रो मॉलिक्यूल, पॉलीमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल और भी हो सकते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर मैंने आपको डिफरेंस समझाया। विच आर फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन लार्ज स्केल, द रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट आर डेराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, इन सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज मोनोमर, इनको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर। तो पॉलीमर समझ में आ गया हमें, मोनोमर समझ में आ गया। ठीक है, एंड आर लिंक्ड टू ईच अदर बाई कोवलेंट बॉन्ड्स, एंड द प्रोसेस
अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो थ्री वर्ड्स यहाँ से इस पैराग्राफ से हमें समझ में आ गए, मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन समझते हैं। देखो यार, देयर आर सेवरल वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द सम स्पेशल कंसिडरेशन। वन ऑफ द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इज बेस्ड ऑन द सोर्स फ्रॉम विच पॉलीमर इज डेराइव्ड। देखना, देखो जब भी आपको वर्ड क्लासिफिकेशन सुनने को आए तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। जैसे यहाँ पे एक बेसिस लिया है कि यहाँ पे सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है मुझे, तो सोर्स के बेसिस पे थ्री टाइप्स के होते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे समझना यार कैसे कैसे हो सकते हैं। ये देखो, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन कई तरह से किया जा सकता है पॉलीमर्स का। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन, जो सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स। अभी हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे, उसमें सिर्फ ये सोर्स के बेसिस पे ही है, लेकिन इसके अलावा भी और भी टाइप के क्या हो सकते हैं पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है, जिसमें बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर हो सकता है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो सकता है, बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स हो सकता है और बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं पॉलीमर्स के। अब ये डायरेक्टली तो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इनडायरेक्टली आपको जब चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो इनकी बड़ी हेल्प होगी। तो हम इनको सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं अलग अलग बेसिस पे। तो सबसे पहला जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर्स थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, दे आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स जो हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ के आए हैं, जैसे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड के रिपीटेशन से बनते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स को नेचुरल पॉलीमर। सेम सेल्यूलोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है जो मोनोसेकेराइड के रिपीटेशन से बनता है ना। स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, ये सभी क्या हैं आपके पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। किससे मिलेंगे ये, या तो प्लांट से मिलेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब नेचुरल सोर्स से ही हम ऑब्टेन होते हैं, इसीलिए इनको हम नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। सेकेंड टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं, दे आर नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है, जैसे ये क्या है, डेराइव्ड किए जाते हैं, मतलब इनका जो सोर्स होता है वो तो, इनका सोर्स जो होता है वो तो क्या होता है, नेचुरल होता है, लेकिन उनमें मॉडिफाइड कर दिया जाता है, तो इनको हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर। मॉडिफाइड का मतलब क्या हुआ यार, देखो जैसे अगर मैं बात करूं वुड, और वुड में क्या होता है यार, वुड में होता है सेल्यूलोस। तो वुड अगर डायरेक्ट ही यूज कर रहे हैं हम, है ना, यानी कि डायरेक्ट सेल्यूलोस ही यूज कर रहे हैं, तो ये तो नेचुरल हुआ। लेकिन अगर इसको मॉडिफाई कर दिया जाए, मॉडिफाइड है ना, डिफरेंट केमिकल का यूज करके उसको मॉडिफाई कर दिया जाए, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बेसिक पॉलीमर है वो तो क्या रहेगा, सेलुलोज ही रहेगा, लेकिन सेलुलोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर दिया जाए तो जैसे रेयॉन बन जाता है, जिसको हम सेलुलोज एसीटेट भी बोलते हैं, मतलब सेलुलोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया है ना, और उससे हमने क्या बना दिया, रेयॉन या फिर सेलुलोज एसीटेट फॉर्म कर दिया, तो दिस इज ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। या सेलुलोज नाइट्रेट बना दिया, सेलुलोज के स्ट्रक्चर में नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी क्या हुआ, ये भी मॉडिफिकेशन हुआ, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे। और थर्ड टाइप के जो होते हैं सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर, दे आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स जिनका सोर्स जो होता है वो नेचुरल नहीं होता, इनका सोर्स क्या होता है, इनका सोर्स होता है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स का मतलब क्या है कि पेट्रोलियम से, इनका पेट्रोलियम के जो सब्सटेंस है, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से जो सब्सटेंस बचता है लास्ट में, वेस्ट बचता है, उसका यूज करके क्या किया जाता है, प्लास्टिक्स हैं या सिंथेटिक फाइबर्स हैं या क्या बनाए जाते हैं, ये रबर बनाए जाते हैं, और इसके अलावा सिंथेटिक रबर भी इसी तरह से बनाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनका नेचुरल सोर्स नहीं होके इनका जो सोर्स है वो पेट्रोकेमिकल्स हैं या पेट्रोलियम है।
तो सिंथेटिक पॉलीमर्स का सोर्स पेट्रोकेमिकल होता है, क्लियर है। तो कहने का मतलब एक तरह से कई बार इनको दो ही कैटेगरी में भी क्लासिफाई कर दिया जाता है, एक तो होता है नेचुरल और दूसरे होते हैं मैन मेड। क्योंकि देखो ये जो है सेमी सिंथेटिक, इसमें भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस तो आ ही गया है, तो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक दोनों को ही कई बार मैन मेड क्या बोल देते हैं, पॉलीमर्स भी बोलते हैं, क्लियर है, समझ में आया। तो फर्स्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने समझा। सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर्स हम कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप के लीनियर पॉलीमर, सेकंड ब्रांच पॉलीमर, और थर्ड जो होते हैं दे आर कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड या फिर इनको ये क्या बोलते हैं हम, नेटवर्क पॉलीमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या है समझना यार। देखो अगर पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हमने देखा ही था, पॉलीमर जो है वो किस तरह से बनते हैं। अब ये जो मैंने लाइन बना रखी है ना, ये वाली जो लाइन है बनी हुई दिख रही है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स बने हुए हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर की जैसे एक ये पूरी की पूरी मोनोमर की एक पॉलीमर फॉर्म हुआ, दूसरा पॉलीमर फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है जो पॉलीमर्स की चेन बन रही हैं, ये स्टेट चेन बन रही हैं, और ये चेन स्टेट चेन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होके क्या फॉर्म कर देती हैं, लीनियर पॉलीमर फॉर्म करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें या पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दोनों ही टाइप के जो पॉलीमर्स हैं दे आर लीनियर पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर का क्या मतलब है, ब्रांच का मतलब है देखो लीनियर पॉलीमर्स तो इसमें है ही सही, ये वाली जैसे लीनियर जो पहले अभी हमने बात किया लीनियर पॉलीमर्स, उन लीनियर पॉलीमर्स की पैरेलल ब्रांच में क्या हो गया, कुछ बॉन्डिंग हो गई एक दूसरे ब्रांच, जो पैरेलल जो लाइन थी या चेन थी उन पैरेलल चेन में कई जगह पे क्या हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन, ठीक है, ब्रांच पॉलीमर, या ब्रांच जिनकी चेन जो होती है वो ब्रांच हो जाती है, ब्रांच पॉलीमर या ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि ये भाई स्टेट पॉलीमर था, मतलब स्टेट लाइन थी, स्टेट चेन थी, ये स्टेट चेन थी, अब इसमें से ब्रांच निकल गई, इसमें से ब्रांच निकल गई, ब्रांच निकल गई हैं, तो ब्रांच निकल गई हैं तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉलीमर भी बोलते हैं। थर्ड टाइप का होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंक का मतलब क्या है कि जैसे ब्रांचिंग जो है अगर सिर्फ दो पैरेलल पॉलीमर्स के ही बीच में है ब्रांचिंग, तब तो इसको हम ब्रांच पॉलीमर बोलेंगे, लेकिन ये ब्रांच जो है वो यहाँ तक पहुँच जाए, ये ब्रांच यहाँ तक पहुँच जाए, ये ब्रांच यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब इनमें क्या हो जाए, क्रॉस लिंकिंग हो जाए, क्या हो जाए, क्रॉस लिंकिंग। जैसे ये वाला जो है, ये जो ब्रांचिंग है, या ये क्या हो गई, ये क्रॉस कर गई किसको, इस पैरेलल लाइन को या इस पैरेलल चेन को क्रॉस कर गई, एक पैरेलल चेन, ये एक पैरेलल चेन, तो ये जो ब्रांचिंग गई ये यहाँ तक जाती, सिर्फ ब्रांच होता है, ब्रांच पॉलीमर बोलते हैं, लेकिन ये क्या ही यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करके चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के क्या बन गई हैं, क्रॉस लिंकिंग बन गई हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, और इस तरह के जो पॉलीमर्स होते हैं वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको नेटवर्क पॉलीमर भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इनमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं एक तरह के कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे बेकेलाइट प्लास्टिक जो होती है वो एक कैसी प्लास्टिक है, क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया बेस्ड ऑन द पॉलीमर्स। थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन का मतलब क्या है समझना इसको, एडिशन पॉलीमर्स का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और एडिशन जो है उसका मतलब है कि डायरेक्ट जो मोनोमर यूनिट हैं, जो मोनोमर यूनिट है जैसे इथीन मोनोमर यूनिट है, और वो इथीन मोनोमर यूनिट डायरेक्ट ही जैसे CH2 CH2 है, तो CH2 CH2 डायरेक्ट ही हो गया, इनमें से कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, जैसे एक CH2 मॉलिक्यूल ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक और मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में इस तरह से फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन इनमें से कोई भी एलिमेंट या एटम का लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं जिनमें डायरेक्ट ही क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, ये एडिशन पॉलीमर, सिर्फ एडिशन हो रहा है, एडिशन का मतलब डायरेक्ट, इसमें कोई लॉस नहीं है किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल का, उनको एडिशन एडिशन पॉलीमर्स बोलते हैं। अभी एडिशन पॉलीमर्स भी टू टाइप्स के हो सकते हैं, फर्स्ट टाइप के जो होते हैं उनको बोलते हैं
होमोपॉलीमर, क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर, और सेकंड टाइप के जो होते हैं दे आर नोन एज कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या है कि जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो सभी मोनोमर यूनिट जो हैं वो सेम टाइप की हों। जैसे पॉलीथीन में देखें तो पॉलीथीन में जितनी भी इस चेन में अगर देखेंगे तो पॉलीथीन में जितनी भी मोनोमर यूनिट होंगी वो सिर्फ इथीन की ही होंगी। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर रिपीट होते हैं तो होमोपॉलीमर फॉर्म करते हैं। और सेकेंड टाइप के होते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में क्या होता है, टू या मोर देन टू टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स होते हैं। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन एक टाइप का मोनोमर यूनिट है और स्टायरिन दूसरे टाइप का मोनोमर यूनिट है। इनके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ब्यूना एस रबर फॉर्म होती है। और ये किस तरह का है, एक कोपॉलीमर का एग्जांपल है। ठीक है, होमोपॉलीमर, होमो का मतलब सेम ही होता है, यूनिफॉर्म। तो अगर इस पॉलीमर की स्ट्रक्चर देखेंगे, इस एडिशन पॉलीमर की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें सभी के सभी मॉलिक्यूल सेम होंगे। और कोपॉलीमर में अगर देखेंगे तो कोपॉलीमर में टू और मोर देन टू टाइप ऑफ क्या मिल जाएंगे आपको, मोनोमर यूनिट मिलेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट्स होंगी तो कोपॉलीमर, और सेम टाइप की मोनोमर यूनिट होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट फोर्थ टाइप का, जो थर्ड टाइप का ही सेकंड, फर्स्ट टाइप का तो ये हो गया मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। सेकंड टाइप का जो है दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि जब दो मोनोमर यूनिट ज्वाइन होती हैं तो उनमें से कोई स्मॉल यूनिट्स क्या हो जाता है, H2 है, ROH है, HCl, इस तरह के स्मॉल यूनिट क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। एडिशन में कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था। आप दोबारा देख सकते हैं कि इथीन मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन हो रहा है तो इसमें कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल का एडिशन नहीं, रिमूवल नहीं हुआ है, एलिमिनेशन नहीं हुआ है। इसमें देख रहे हैं तो इसमें भी डायरेक्ट ही CH2, CH, CH, CH2 ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है। इस ब्यूना एस में देखेंगे तो कंप्लीटली एस सच एड हो गया है एडिशन पॉलीमर में। लेकिन कंडेंसेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या हो रहे हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड नाइलॉन 6,6 में जब बनता है तो ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इनमें से निकल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ NH NH C6 CH2 whole 6, ये वाला पार्ट है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है जो अगले वाटर के साथ, यहाँ पे समझ सकते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH यहाँ से निकल के ये दोनों निकल के क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से एक हाइड्रोजन और अगले एडिपिक एसिड का OH निकल के क्या बना रहा होगा, H2O बना रहा होगा। तो N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो स्मॉल यूनिट्स हैं, मतलब जब ये पॉलीमर फॉर्म हो रहा है तो स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो एलिमिनेट हो रही हैं। तो स्मॉल यूनिट्स का जब एलिमिनेशन होता है तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर टू टाइप्स के हमने पढ़ लिए, एडिशन और कंडेंसेशन। नेक्स्ट फोर्थ बेसिस है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे पॉलीमर्स फोर टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इलास्टोमर, सेकंड है फाइबर्स, थर्ड है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और फोर्थ है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इनमें वीकेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। जो पॉलीमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होता है, लीस्ट होता है, वीकेस्ट होते हैं। जैसे ब्यूनाएस, ब्यूनाइन रबर है, इनके बारे में आगे चैप्टर में और भी डिटेल में है। तो बस अभी यहाँ देखें कि ये किसका एग्जांपल, इलास्टोमर। और इलास्टोमर का मतलब क्या है कि ऐसे पॉलीमर जिनमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट है उनको इलास्टोमर्स। फाइबर्स की अगर बात करें तो फाइबर्स में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं किसके बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के दो मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे नायलॉन 6,6 है, टेरिलीन है, इन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इनको हम फाइबर्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे थर्ड टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं दे आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या है, इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटरमीडिएट होता है। मतलब क्या हुआ, इलास्टोमर
मैं तो सबसे वीकेस्ट है, फाइबर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो फाइबर और इलास्टोमर के इंटरमीडिएट या बीच का जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में मिलेगा आपको, थर्मोप्लास्टिक्स में मिलेगा। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की बात करें तो दे आर हैवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, ये बहुत ब्रांच मॉलिक्यूल हैं, और ब्रांच मॉलिक्यूल के वजह से इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मोप्लास्टिक के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, लेकिन किससे, इलास्टोमर से ज़्यादा और फाइबर से कम होगा। ठीक है, अगर इन तीनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, सबसे वीकेस्ट इसमें होगा किसमें, इलास्टोमर में होगा। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप का जो उसके बाद होगा थर्मोप्लास्टिक में, उसके बाद होगा किसमें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा फाइबर में। तो चाहे तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखें, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीकेस्ट है इलास्टोमर्स में, इलास्टोमर्स सबसे वीकेस्ट। उसके बाद में थर्मो प्लास्टिक में होगा, टीपी में शॉर्ट में लिख देता हूँ। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में होगा, थर्मोसेटिंग, ठीक है। और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फाइबर्स में होगा। तो ये ऑर्डर होने वाला है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो इसके बेसिस पे हमने फोर कैटेगरीज में बात की। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है और लास्ट क्लासिफिकेशन जो हम बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन द ग्रोथ पॉलीमर्स, ठीक है। तो टू टाइप्स के होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स होते हैं वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो होते हैं वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। इनके बारे में डिटेल में अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस एनसीईआरटी के क्लासिफिकेशन को एक बार रीड जरूर करेंगे। क्या गिवन है अंडर दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इसमें हमने, देयर आर थ्री सब कैटेगरीज। सोर्स के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही थी, तो सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में थ्री टाइप्स के कैटेगरीज हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स, दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जांपल प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्स एंड सम रेजिन्स एंड रबर्स। ये सभी पॉलीमर्स जो हैं वो किसका एग्जांपल है, आपके सिंथेटिक पॉलीमर, सॉरी नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है। सेकेंड टाइप के पॉलीमर्स हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेलुलोज डेरिवेटिव, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट एसेट्रा आर द यूजुअल एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। और ये इनको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड, मैंने आपको लिखा दिया है वैसे, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर्स भी इनको बोल सकते हैं, दे आर मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर्स। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर्स, ए वेराइटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स एज प्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नाइलोन 6,6 एंड सिंथेटिक रबर लाइक ब्यूना एस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड पॉलीमर्स एक्सटेंसिवली यूज इन डेली लाइफ एज वेल एज इंडस्ट्रीज। पॉलीमर्स कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उनके आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।